हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आपका जो रिजल्ट है यस्टेट 2023 का, जो 4 से 15 सितंबर तक कराया गया है, उसका रिजल्ट 3 अक्टूबर को जारी होगा। एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने दी जानकारी कि एसटीईटी अब साल में 2 बार होगा, रिजल्ट भी 15 दिन में दिया जाएगा। जैसा कि मैं इसको मेन सूचना जैसे कि मैं देख लेती हूँ कि सितंबर की परीक्षा का रिजल्ट 3 तक आएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि सितंबर में हुई एसटीईटी का रिजल्ट 3 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा 15 सितंबर तक हुई थी, जिसमें 4.28 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ठीक है, 35 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि एसटीईटी अब 2 साल, प्रत्येक 2 साल में होगी, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब साल में 2 बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन करेगी। शनिवार को अधिवेशन भवन में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अब साल में 2 बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी, इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। एसटीईटी परीक्षा की तिथि बहुत जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 13 साल में अब तक सिर्फ 3 बार ही एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की गई है, लेकिन अब साल में 2 बार यह परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा के 15 दिनों के भीतर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, जो आपका प्रत्येक 2 साल में परीक्षा होगा। एसटीईटी नौवीं से 12वीं तक के लिए आयोजित किया जाएगा। विभाग के इस फैसले से शिक्षक बनने का सपना सजो रखे अभ्यर्थियों को इसे पूरा करने का मौका मिल सकेगा। 2011 में सबसे पहले यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो यही आज के लिए महत्वपूर्ण सूचना था दोस्तों। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक का, थ्योरी से लेकर एमसीक्यू प्रैक्टिस तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा और इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।